अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मटन कीमा पाव की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाने भी बहुत आसान है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट 10 मिनट में बन जाता है। तो आप एक बार घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कीमा तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, गरम मसाला में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्जी इलायची और 4 लौंग डालेंगे। 2 बड़े साइज का प्याज को फाइन चॉप करके डालेंगे। 2 गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे। अब मसाला ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डेगी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला डालेंगे। मिला लेंगे मसाला को। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसाला को अच्छे से भूनेंगे। अब 2 बड़े साइज का टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर ढककर कुछ सेकंड पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, मसाला भी भुना गया। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये 300 ग्राम मटन कीमा है। कीमा को मसाला में अच्छी तरह से भुनेंगे। अब इसे ढककर कुछ सेकंड पकने देंगे। अब इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अब 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। इसे ढक कर 2-3 मिनट पकने देंगे। 5-6 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर डालेंगे। ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसे चलाते हुए कुछ सेकंड पकाएंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब पाव सेकेंगे। एक तवा में बटर डालेंगे, बटर मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। अब पाव को इस तरह बीच से कट कर लेंगे। अलग बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ 2 भाग करना है इस तरह से। अब इसे बटर में अल्टी पल्टी करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। बटर थोड़ा अच्छा से लगाएंगे, अल्टी पल्टी करके अच्छा से सेकेंगे ताकि पाव एकदम सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अब ये हमारा मटन कीमा पाव रेडी हो गया है।